क्लास 10th की एक्सरसाइज 1, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा आखिर है क्या। ठीक है, तो यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है, डिवीजन ये डिवीजन से रिलेटेड है, और लेमा होता है एक सेटअप। ठीक है, स्टेप्स कि किस किस तरह से हमें स्टेप्स लेने हैं कैलकुलेशन की। तो ये यूक्लिड द्वारा बनाया गया डिवीजन स्टेप्स का मामला है सारा। इसमें होता क्या है, अगर हमारे पास ए एंड बी, ए और बी जो है हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, अगर हम उनको डिवाइड करेंगे तो वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, तो कैसे हुआ ये, देखो मान लेते हैं हमारा कोई ए पॉजिटिव इंटीजर है, उसको हम बी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, बी को हम किसी क्यू क्वेश्चंट यहाँ पर आता है, क्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा कुछ जो डिजिट आएंगी, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा लास्ट में कुछ आर बचेगा। ठीक है, ये मतलब हम सिंपली जो डिवाइड करते आ रहे हैं ना, एक तरह से इसी को कह सकते हैं हम यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, किसी ए को हम डिवाइड करते हैं बी से, किसी ए पॉजिटिव इंटीजर को बी से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्वेश्चंट मिलेगा और आर मिलेगा। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, ए ए इक्वल्स टू ए किसके इक्वल होगा, बी मल्टीप्लाई में क्यू प्लस में आर। ठीक है, और यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी, आर आर की वैल्यू क्या होगी, आर जीरो के इक्वल हो सकता है, या तो हमारा रिमाइंडर जो है वो बिल्कुल जीरो आएगा या फिर जीरो से बड़ा हो सकता है। ठीक है, जीरो इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन बी, और हमेशा क्या होता है, लेस देन बी आता है। ठीक है, हमेशा जो रिमाइंडर होगा हमारा बी से कम आएगा। तो इसको समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो डिवीजन में किया जाता है और एच सी एफ फाइंड करने में इसका मेनली यूज किया जाता है। ठीक है, और भी कई जगह कैलकुलेशन में इसका यूज किया जाता है, लेकिन मेनली हम जहां पर यूज करेंगे एक तो डिवीजन में और एक एच सी एफ में। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम 45 इक्वल्स टू 45 और बी इक्वल्स टू 6। ठीक है, अगर हम ए हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है 45, इसको हम डिवाइड करते हैं बी की वैल्यू 6 से। ठीक है, तो 6 के टेबल काउंट करेंगे हम, 6 1 6 6 2, इस तरह से हम काउंट करेंगे तो आएगा 6 7 42। अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आएगा 5 में से 2 को माइनस किया 3 एंड 4 में से 4 को माइनस किया 0। तो अब हम 45 को कैसे लिख सकते हैं, 45 कैन बी रिटन एज 45 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई में 7, 7 इज अवर क्वेश्चंट। ठीक है, बी वैल्यू इससे हमें डिवाइड करना है और इस 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा क्वेश्चंट आया है, प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा कितना है 3। ठीक है, तो ये बात किसके इक्वल होगा, 45 के। ठीक है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो 6 7 42 42 प्लस 3 45, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जो हमने ये सोल्व किया है। ठीक है, अब एच सी एफ में किस तरह से यूज करेंगे वो देखते हैं। एच सी एफ निकालना मेनली है इससे, उसको हम थोड़ा पूरा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमें एग्जांपल दिया, एग्जांपल में कर सकते हैं हम, हमें फाइंड द एच सी एफ, फाइंड एच सी एफ ऑफ 125 एंड 40। हमें एच सी एफ निकालना है इन दोनों का, एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन हम निकालेंगे यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू हमारी ग्रेटर वैल्यू उसको रखेंगे हम अंदर और छोटी वैल्यू से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे 45 2 90, माइनस करेंगे, माइनस करने पर 5 में से 0 गए 5 और 12 में से 9 गए 3, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 35। ठीक है, तो मैं 125 को कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर 125 इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई में क्वेश्चन, क्वेश्चन था हमारा 2 प्लस में रिमाइंडर 35। ठीक है, अब हमारा जो डिवीजर था, जो हमारा ये डिवीजर है इसको हम शिफ्ट कर देंगे इसके अंदर और रिमाइंडर से कर देंगे हम इसको डिवाइड, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 40
फाइव। अब करेंगे हम इसे रिमाइंडर, जो हमारा इसका 125 को रिमाइंडर बचा था उसे डिवाइड, 35 वन ज़ा 35, तो यहाँ बचा हमारा 10। ठीक है, अब 45 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 45 इक्वल्स टू 35 मल्टीप्लाई में कोशेंट है हमारा 1 प्लस में रिमाइंडर 10। इसी तरह अब हम 35 से हमने इसको डिवाइड किया तो 35 को हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, तो ये आ गया हमारा 35, 3 3 ज़ा 30, रिमाइंडर बचा हमारा 5। ठीक है, तो अब 35 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 35 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 5। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल आगे ही बढ़ाएंगे हम इसे, जो हमारा 10 है इसको ले आएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो 10 आ गया हमारा अंदर और जो रिमाइंडर बचा, हमने इसको 10 से डिवाइड किया था तो 10 को अंदर और रिमाइंडर बचा हमारा 5, 5 से इसको करेंगे डिवाइड, तो 5 2 ज़ा 10, 10 में से 10 को माइनस करेंगे 0, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। तो 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 0। अब HCF कैसे फाइंड करेंगे, तो HCF फाइंड करने का जो तरीका है, जो लास्ट स्टेप होगा हमारा, फर्स्ट स्टेप ये था, ठीक है, सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये, और फोर्थ स्टेप हमारा लास्ट स्टेप। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमारे हर क्वेश्चन में चार स्टेप आए, हमारे एक स्टेप में भी कंप्लीट हो सकता है, दो में भी, तीन में भी, चार में भी, और इससे ज्यादा स्टेप्स भी हो सकते हैं। तो जो हमारा लास्ट स्टेप होगा, लास्ट स्टेप में जिस जो डिवीजर होगा हमारा, वही होगा हमारा HCF। ठीक है, तो लास्ट स्टेप हमारा ये था, इसमें डिवीजर क्या है हमारा 5, तो HCF हो जाएगा हमारा HCF ऑफ 125 एंड 45 इक्वल्स टू 5। इस तरह से हम इसमें LCM निकाला जाता है। ठीक है, तो आपको वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इक्लूड डिवीजन से इन सब चीजों को करना है। ठीक है, तो यही होता है हमारा कॉन्सेप्ट यूक्लिड डिवीजन का, इसके यूजेस क्या क्या हैं, आगे आने वाले एग्जांपल्स में, मतलब जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उसमें और अच्छी तरह से इसके यूजेस हमें समझ आ जाएंगे। ठीक है।